कटहल की सब्जी तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी और कटहल का अचार भी खाया होगा। क्या कभी आपने कटहल के कोफ्ते बनाकर खाए हैं? यदि नहीं खाए हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम चौरसिया और आप देख रहे हैं जिया किचन रेसिपी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कटहल के कोफ्ते की रेसिपी बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये हमने ले ली है कटर। ये लगभग 250 ग्राम कटर है और इन्हें हमें काट के रख लिया है। और ये दो हमने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए, इन्हें भी हमने छील करके रख लिया है। और अब हम एक बर्तन लेंगे, हमने एक कुकर लिया है। कुकर में आलू और कटहल को हम डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, एकदम फुल नहीं भरना है। जिस तरह हम आलू उबालते हैं वैसा ज़्यादा पानी, थोड़ा सा पानी ही हम इसमें डालेंगे। तो मैंने इसमें लगभग आधा गिलास के करीब पानी डाल दिया है और अब हम इसे दो या तीन सीटी लेंगे। तो ये देखिए, हम दो सीटी ले चुके हैं और अब हम जैसे कुकर ठंडा होता है हम इन्हें निकाल करके देख लेंगे। तो चलिए, ये कुकर ठंडा हो चुका है और ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकालेंगे एक प्लेट में। तो ये हमने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। तो दोस्तों, और एक हम ये तसला एक बर्तन ले लिया है और इस बर्तन में हमने उबले हुए आलू और उबले हुई कटहल को हमने डाल दिया है और अब हम इन्हें इस तरीके से मैश करेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, हम आप चाहे तो हाथ से ही मैश कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर थोड़ा सा आधे चम्मच के करीब, और हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे। आधी चम्मच करीब हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है और साथ में स्वाद अनुसार नमक, इन्हें आधे चम्मच के लगभग ही मैंने इसमें डाला है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। और ये हमने थोड़ा सा बेसन डाला है, ये एक चम्मच बेसन है, इसमें से मैंने थोड़ा बचा लिया है और यदि आवश्यकता लगी तो हम इसमें और डाल लेंगे। तो चलिए, इसे हम थोड़ा सा गूँथ लेते हैं जिस तरह हम आटा गूँथते हैं इसे, ताकि इसकी बॉल्स बन जाए। तो अब ये देखिए, हम इसे आटे की तरह से गूँथ रहे हैं। तो ये देखिए ऐसे, तो इसके अंदर कहीं कहीं आपको ये जो कटहल के बीज, आपको जो कटहल के बीज नज़र आ रहे होंगे, ये तो यदि कड़क हो तो इन्हें बाहर निकाल दें और नरम हो तो इसे प्रेस करके इन्हें बारीक कर लें। और ध्यान रखें, जो कटहल का जो छिलका होता है, बीज का छिलका थोड़ा कड़क होता है, तो अगर ये आपके हाथ में आए तो उसे निकाल करके फेंक दीजिएगा। तो चलिए, ये हमने इसे अच्छे से गूँथ लिया है और इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो चलिए, मैंने इसे रख दिया है और अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने हाथों में ये थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लूँगा ताकि ये हमारे हाथ में चिपके नहीं। थोड़ा सा मिश्रण हम हाथ में लेंगे और इस तरीके से हम इसे गोल गोल घुमाएँगे ताकि इसकी एक छोटी सी गोल बाल जैसी बन जाए। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसकी एक गोल बाल बना ली है। तो पूरे मिश्रण के आपको इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बनानी हैं। तो लीजिए, हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं। इस तरीके से हमने बहुत सारी ये बाल बनाकर रख ली है और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने एक पैन लिया है और इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। हम लगभग आधा पैन भर लेंगे ताकि ये जो बॉल्स हैं ये आधी आधी, आधी से थोड़ी ज़्यादा इसमें डूब जाए। तो जैसे तेल गर्म होता है, हम इन कटहल की बाल को इसके अंदर हम डाल देंगे, यानी कटहल के कोफ्तों को हम इसके अंदर डाल देंगे। मैं बॉल्स बोल रहा हूँ, कटहल के कोफ्ते हमें कह सकते हैं। तो जैसे ये तेल अच्छा गर्म हो तभी डालें और ध्यान रहे, ये नीचे चिपक भी सकते हैं, ये थोड़ा ये नरम होती हैं। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको इन्हें चला देना है तो ताकि इनके नीचे चिपके नहीं, ताकि इसको लेयर का थोड़ा डार्क निशान नहीं आए। ये देखिए, हमने सभी बॉल्स इसके अंदर डाल दी हैं और अब थोड़ा से बबल्स कम होने लगे हैं। तो अब हम इन्हें चलाएंगे। ये देखिए, बबल्स और कम होते जा रहे हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि इनका थोड़ा कलर भी
चेंज हो रहा है। तो अब देखिए हमने इन्हें ये चला दिए, ये कहीं कहीं जो नीचे चिपकी थी इनका थोड़ा कलर अलग दिख रहा होगा नीचे से ये। तो चलिए ये कटहल के कोफ्ते एकदम फ्राई हो चुके हैं और हम थोड़ी देर इन्हें और पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो अब फ्लेम को हम थोड़ी लो कर देते हैं ताकि अच्छे से अंदर तक पके, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम ज़्यादा रहेगी तो ये ऊपर ऊपर जल जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपको शुरुआत में फ्लेम लो रखें, इसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दें। तो चलिए अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं क्योंकि ये सब फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए हमने सब कोफ्ते बाहर निकाल कर रख लिया। मसाला बनाने के लिए अदरक लहसुन और प्याज और दो हरी मिर्ची हमने ले ली है। दो प्याज है और लहसुन है और अदरक है और इनका हम बना लेंगे पेस्ट। तो ये देखिए पेस्ट बना लिया और साथ में हमने दो टमाटर का पेस्ट भी बना के रख लिया है और ये अदरक लहसुन है और ये है प्याज। तो चलिए अब हम लेते हैं कढ़ाई और हम इस कढ़ाई में लगभग इस चम्मच से हम 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। आप कुकिंग ऑयल कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे ऑयल गर्म होता है। इसके अंदर हमने जीरा डाल दिया, साथ में एक तेज पत्ता, दो बड़ी इलायची हैं जिसे काली इलायची भी कहा जाता है, और ये है काली मिर्च, ये 8 से 10 काली मिर्च। आप चाहें तो इन मसालों को थोड़ा सा दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं खड़ा डालना ही पसंद करता हूँ। और हमने थोड़ी सी जावित्री भी डाल दी इसके अंदर। तो देखिए ये मसाले हमारे भुन चुके हैं और अब हम डालेंगे इसमें प्याज का पेस्ट। तो जैसे ही हमने प्याज का पेस्ट डाला है और इसके बाद हम इसे तेल में इसे अच्छे से मिला देंगे। और आप चाहें तो जो मैंने प्याज का पेस्ट बना के डाला, आप तो एकदम बारीक काट कर भी प्याज को डाल सकते हैं। ये देखिए हमने इन्हें डाल दिया है, क्योंकि वो प्याज का पेस्ट अगर हम बना के डालते तो जो हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने 2 हरी मिर्ची और 15 से 20 करीब इसमें लहसुन की कलियाँ थी और एक इंच के करीब अदरक का टुकड़ा का हमने इस्तेमाल किया है। इन्हें भी हम प्याज के साथ में अच्छे से भून लेंगे। तो आपको लग रहा हो कि मैंने तेल ज़्यादा डाल दिया है, तो तेल आप कम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि 3 चम्मच ही डालना है आपको। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से तेल का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये दोस्तों देखिए 3 से 4 मिनट के बाद मसाला अच्छे से हमारा भुन चुका है, ये अदरक लहसुन। और अब हम इसमें डालेंगे ये 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, साथ में हम इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं और 1 चम्मच करीब हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर। और तुरंत इसे मिला देंगे और मिलाने के बाद में दोस्तों इसमें हमें डालना है पानी। हम तो जिस चम्मच से सब्ज़ी बना रहे हैं उससे 1 चम्मच पानी भर के डाल दें ताकि मसाले जले नहीं और इनका कलर ख़राब नहीं हो, इसलिए हमने इसमें 1 चम्मच पानी डाल दिया है। और आप चाहें तो जो लाल मिर्च, धनिया और हल्दी को पानी में घोल कर भी डाल सकते हैं। तो चलिए ये मसाला हम भून रहे हैं, इसे भूनने में 3 से 4 मिनट तो लग ही जाएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो ये टमाटर के साथ में हम इन्हें भूनना है और हमें तब तक भूनना कि जब तक इसके ऊपर तेल नहीं आ जाता तब तक हमें इन्हें भूनते रहना है। तो ये देखिए ये 5 मिनट हो चुका है और आपको लग ही रहा होगा कि कहीं कहीं आपको ये तेल इसके ऊपर नज़र आता, आपको कहीं कहीं दिख रहा होगा। और अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच करीब नमक डाला है और आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये लीजिए आपको दिख रहा होगा कि तेल ऊपर आना शुरू हो गया। और अब इसमें हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है तो इससे थोड़ा अलग ही फ्लेवर आता है। और ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और अब इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला। अभी तक हमने गरम मसाला पाउडर नहीं डाला था, अब हमने इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया है। तो दोस्तों आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी आपको नज़र आ ही रही होगी। तो चलिए अब हम इसी ग्रेवी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। मैंने अभी थोड़ा सा डाला है और अभी हम थोड़ा पानी और इसमें डालेंगे, क्योंकि अब अभी तो हमारा मसाला तो थोड़ा सा हम देखना चाह रहे हैं कि ग्रेवी हमारी कैसी बन रही है, तो इसमें भी पानी की और आवश्यकता लगेगी। तो ये देखिए
इसमें हम और पानी डाल देते हैं। ये देखिए, क्योंकि अभी जब हम कोफ्ते इसमें डालेंगे तो भी पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और हम पकाना भी है, तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालें। तो ये देखिए इस तरीके से ग्रेवी होना चाहिए, क्योंकि अभी ये थोड़ी और ठीक होने वाली है, तो इसमें थोड़ा उबाल आ जाए फिर हम देखते हैं कि ये देखिए, जब इस तरीके से उबाल आने लग जाए तब आपको इसके अंदर ये कटहल के कोफ्ते डालने हैं। तो ये हमने कटहल के कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं, और इसे आप इस तरीके से एक दो बार चला दीजिएगा, और इसके बाद को फ्लेम को कर दीजिए थोड़ी लो, और इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाएं ताकि इसके अंदर जो मसालों का जो रस है वो कोफ्तों के अंदर चला जाए, तभी सब्ज़ी का टेस्ट ज़्यादा ज़ोरदार आएगा आपको। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं हरी धनिया पत्ती। तो लगभग हमारी सब्ज़ी बन कर के तैयार हो चुकी है, कटहल के कोफ्ते। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना इसको। तो चलिए इसे हम अब ढक देते हैं, और 5 मिनट के बाद हमें इसके सर्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, 5 मिनट के पश्चात हमने इसका ढक्कन हटा दिया है, और अब देखिए कितनी शानदार दिख रही है, और इसे हम इस प्लेट में सर्व करते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपके तक हमेशा पहुँचते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।